देखो शिखा, जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आखिर कब तक तुम निशा का ध्यान रखोगी? अब वो बड़ी हो गई है, उसे अपना अच्छा बुरा खुद सोचना पड़ेगा। हेलो भाभी। तुम? निशा है घर पे? नहीं, निशा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि भाभी, शिखा हमारे खास मेहमान, आइए प्लीज कम। शिखा मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। अब बस 5 दिन फिर तुम्हारी और निशा की शादी हो जाएगी। तुम्हें कैसे पता कि 5 दिन में शादी हो जाएगी? मुहूर्त मैंने ही तो निकाला, तुम्हारी शादी का और प्रभाकर निशा की बर्बादी का। निशा यहाँ क्या कर रहे हो? अभी आ गई तो उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि हम कितना प्यार करते एक दूसरे से। तुमसे मैं प्यार करती थी लेकिन रोमिला मुझे अच्छा लगता है। प्यार किसी और के साथ और शादी किसी और के साथ। आई एम सॉरी, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा है। एक छोटे से गेट टुगेदर में एंगेजमेंट भी हो गई। तुमने उस फटीचर को छोड़ दिया क्या? क्या चाहिए तुम्हें? बस 30 लाख।